संस्था के चेयरमैन पर लगा बड़ा आरोप। खबर यूपी के जिले अमेठी से है, जहां एक संस्था के कुछ सदस्यों ने चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सदस्यों का आरोप है कि चेयरमैन फर्जी तरीके से चुनाव संपन्न संस्था पंजीकरण करवा सकते हैं। सदस्यों ने इस मामले को लेकर डीएम व जिला अल्पसंख्यक अधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल ये मामला मुसाफिर खाना विकास खंड के रसूलाबाद का है। यहाँ स्थित दाउल उलूम गैसिया तेगिया पंजीकृत संस्था संचालित होती है। संस्था के कुछ सदस्यों ने बताया कि संस्था का कार्यालय 17 अप्रैल 2022 तक वैध है। इजहार ने आरोप लगाते हुए कहा कि संस्था के अध्यक्ष ने 16 अप्रैल को चुनाव कार्यक्रम का एजेंडा जारी कर दिया गया, लेकिन तय की गई तारीख में ना तो संस्था के अध्यक्ष मौजूद थे और ना ही नियुक्त कोई भी प्राधिकारी। यही नहीं, आरोप यह भी है कि सदस्यों को चुनाव स्थगित करने की कोई नोटिस और सूचना नहीं दी गई। संस्था के सदस्य इजहार अहमद, अंसार अहमद, सिराज आदि ने आरोप लगाया कि संस्था के चेयरमैन पूर्व की भांति इस बार भी फर्जी तरीके से चुनाव संपन्न करा कर संस्था का पंजीकरण करवा सकते हैं। सदस्यों ने इस मामले को लेकर डीएम व जिला अल्पसंख्यक अधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की गुहार लगाई है। क्या नाम भैया? इजहार नेता। क्या मामला है? मामला एक मदरसे दारुल उलूम गौसिया तेगिया रसूलाबाद का है। 31/3/2021 को इरशाद हुसैन द्वारा एक एजेंडा जारी किया गया हम लोगों को कि 16 तारीख को सुबह 10 बजे से चुनाव प्रक्रिया है। हमारे बाइलाज में है कि 3 साल बाद इसका हम नवीनीकरण चुनाव करवाते हैं सदस्यों द्वारा। सुबह से 10 बजे से हम लोग मदरसा प्रांगण में मौजूद हैं, ना प्रबंधक ना मैनेजर कोई यहाँ उपस्थित नहीं हुआ। ये लोग चोरी से चुनाव करा के अपने घर पे बैठ के फर्जी दस्तखत करके डिप्टी रजिस्ट्रार फैजाबाद के यहाँ दाखिल करते हैं और कहते हैं कि हमने कार्रवाई पूर्ण करी। इस संबंध में हमने आज जिलाधिकारी महोदय अमेठी को शिकायत पत्र दिया और अल्पसंख्यक अधिकारी को भी शिकायत पत्र दिया। क्या कार्रवाई आश्वासन मिला आपको? उन्होंने कहा है कि इस मामले में जाँच करके कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव करवाया जाए। जो सूची वैध हमारी है, जो रजिस्टर चिटफंड रजिस्ट्रार के यहाँ वैध सूची है, उससे चुनाव करवाया जाए। ये लोग चुनाव से भागना चाहते हैं। मुसाफिर खाना अमेठी से संवाददाता मनोज यादव की रिपोर्ट।